चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके सभी कॉमेंट्स पढ़ती हूँ। दोस्तों, मेरा जो चैनल है स्पेशली एमएड, एमए इन एजुकेशन, बीएड, जेबीटी और बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट, एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ एजुकेशन के हर टॉपिक को इंक्लूड करूंगी। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वेसलर्स इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि वेसलर द्वारा दिया गया बुद्धि परीक्षण आज हम करेंगे। देखिए, इंटेलिजेंस में कुछ फेमस टेस्ट हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं, तो जिनमें स्टैनफोर्ड बिनी इंटेलिजेंस स्केल हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे वेसलर टेस्ट। वेसलर ने 3 स्केल्स बनाए हैं, वेसलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि WPPSI, वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन यानी WISC और वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल WAIS। ये तीनों ही स्केल आज हम डिटेल में करेंगे। वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि वेस्लर कौन थे। तो वेस्लर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जो न्यूयॉर्क के ब्लेव्यू अस्पताल में मनोचिकित्सक थे। उन्होंने इस टेस्ट को डिस्क्राइब, इस बुद्धि परीक्षण को डिस्क्राइब किया है। तो दिस टेस्ट डिस्क्राइब बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट वेस्लर, फ्रॉम दिस वी कैन असेस द इंडिविजुअल इंटेलिजेंस स्केल। देखिए, ये एक इंडिविजुअल इंटेलिजेंस स्केल है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, जो कि हर एज ग्रुप के लिए बनाया गया है। तो इन्होंने 3 स्केल्स बनाए हैं, WPPSI जो कंसिडर करता है 2 से 7 साल के बच्चों के लिए, यानी कि प्री स्कूल के जो जो बच्चे हैं उनके लिए बनाया गया है, WISC जो बनाया गया है 5 से 16 साल के बच्चों के लिए, और WAIS जो बनाया गया एडल्ट्स के लिए, यानी कि 16 से 75 ईयर्स के बीच जो आते हैं उनके लिए टेस्ट बनाया गया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि WPPSI। देखिए, ये प्री स्कूल के बच्चों के लिए बनाया गया है। ये एक मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट है जो कि 2 से 7 साल के बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि जो जनरल एबिलिटी है, कॉग्निटिव एबिलिटी है, उसको मेजर करता है। और इस टेस्ट का जो, इस इंटेलिजेंस टेस्ट का जो है, अभी करंट वर्जन रिलीज हो चुका है, 4th एडिशन WPPSI 4। अब हम देखेंगे WISC यानी कि वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। देखिए, ये जो स्केल बनाया गया है ये कवर करता है 5 से 16 साल के बच्चों के लिए बनाया गया है। This test was introduced as an offshoot of the Wessler Bellevue Intelligence Scale and was introduced in 1949. देखिए, ये जो टेस्ट है Wessler Bellevue Intelligence Scale है, उसी का एक offshoot है। offshoot मतलब उसी की एक ब्रांच है, और जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1949 में। This test is often used to help with educational placement, identifying gifting students, and can also be used in conjunction with the Wessler Individual Achievement Test to help identify students with learning disabilities or gap between academic achievement and cognitive abilities. The most recent version of the test is WISC 5th, which was released in 2014. देखिए, जो ये टेस्ट है बच्चों की जनरल एबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि बच्चे की, एक तरह से बच्चे का फुल IQ को मेजर करता है। तो ये टेस्ट जो है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन यानी कि शाब्दिक बोधगम्यता बच्चे की कितनी है, विजुअल स्पेशियल स्थानिक योग्यता उसकी, फ्लूड रीजनिंग उसकी, वर्किंग मेमोरी क्या है, और प्रोसेसिंग स्पीड यानी कि उसको काम करने की स्पीड क्या है, उसको मेजर करता है। तो ये जो है गिफ्टेड और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करता है। इसका जो रिसेंट, मोस्ट रिसेंट वर्जन 5th एडिशन जो है इसका रिलीज हो चुका है, जो रिलीज हुआ है 2014 में। अब हम देखते हैं WAIS यानी कि वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जो बनाया गया है 16 साल से लेके एडल्टहुड के, जो एडल्टहुड यानी कि
वैश्विक अवस्था 75 ईयर्स तक के लोगों के लिए। द करंट वर्जन ऑफ द टेस्ट इज फोर्थ विच वॉज लॉन्च इन 2008। देखिए इसका जो करंट वर्जन है वो इसका फोर्थ एडिशन रिलीज हो चुका है, जो रिलीज हुआ 2008 में। द वे स्केल हैज़ टू पार्ट्स। इस स्केल के जो एडल्ट्स के लिए जो स्केल बनाया गया इसके टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज वर्बल सेक्शन एंड सेकेंड इज परफॉर्मेंस सेक्शन। देखिए इन्होंने जो वर्बल स्केल बनाया है वो उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, तो उसमें वर्ड्स कंसेप्ट्स और नंबर्स को शामिल किया गया है। और इसके सिक्स छः सबसेट हैं। कौन कौन से? टेस्ट ऑफ जर्नल इंफॉर्मेशन, जर्नल कॉम्प्रीहेंशन, अर्थमेटिक रीजनिंग, डिजिट स्पैन, डिस्टिंक्शन बिटवीन सिमिलरिटी एंड टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी। तो ये छः सबसेट हैं इसके। तो सबसे पहले देखते हैं कि जर्नल इन्फॉर्मेशन यानी कि सामान्य जो सूचना है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है व्यापक रूप से सूचनाएं शामिल होती हैं, जैसे यूएसए की जनसंख्या कितनी है, रबड़ कहाँ से आता है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो जर्नल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। दूसरे में आते हैं हम टेस्ट ऑफ जर्नल कॉम्प्रीहेंशन यानी कि बच्चे को समझ कितनी है इसके बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस उसको पुट किए जाते हैं, जैसे जूते चमड़े से क्यों बनते हैं। ये तो पता है कि जूते चमड़े से बनते हैं, लेकिन जूते चमड़े से क्यों बनते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसकी समझ को, उसकी कॉम्प्रीहेंशन, उसकी जर्नल कॉम्प्रीहेंशन क्षमता कितनी है, इसको मेजर करने के लिए पुट किए जाते हैं। टेस्ट ऑफ अर्थमेटिक रीजनिंग यानी कि इसमें जो है बच्चे की तार्किक गणितीय योग्यता का परीक्षण किया जाता है। जैसे अगर एक सेब का मूल्य 4 रुपये है तो इस ऐसे 6 सेबों का मूल्य कितना होगा, तो इस तरह से उसकी अर्थमेटिक रीजनिंग को मेजर किया जाता है। टेस्ट ऑफ डिजिट स्पैन, देखिए इसमें जो है अंकों को आगे पीछे दोहराने के लिए बच्चों को दिया जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 10 तक अंक बोल दिए, अब उसको बताया जाता है कि इनको रिवर्स ऑर्डर में बोल के दिखाइए, तो बच्चा 10 से स्टार्ट करके 1 तक आएगा। अगर वो 2 गलतियां कर देता है तो उसको जो उसकी परीक्षा है वो बंद कर दी जाती है। नंबर 5 टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सिमिलरिटीज अर्थात समानताओं के बीच विभेद किस तरह से बच्चा कर पाएगा, तो इस तरह से उसकी तार्किक चिंतन और विचारात्मक योग्यता का परीक्षण किया जाता है। नंबर 6 हमारे पास है टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। कुछ शब्द बच्चे को दिए जाते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की कठिनाई होती है, जैसे डायमंड, माइक्रोसॉफ्ट आदि शब्दों की मौखिक परीक्षा इसमें सम्मिलित होती है। वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल का जो परफॉर्मेंस सेक्शन है वो क्या, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? पिक्चर सक्सेशन या पिक्चर कम्प्लीशन, इमेज अरेंजमेंट्स, ब्लॉक डिजाइन, डिजिटल सिंबल्स एंड ऑब्जेक्ट असेंबलिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं पिक्चर सक्सेशन यानी कि चित्र पूर्णता। तो इसमें जो है बच्चे को कुछ कार्ड दिए जाते हैं और प्रत्येक कार्ड पर एक चित्र होता है जिसमें कुछ भाग अपूर्ण होता है, व्यक्ति को पूर्ण भाग दिखाना होता है और इसी के आधार पर उसकी बौद्धिक योग्यता का परीक्षण होता है। इसके बाद आता है इमेज अरेंजमेंट्स यानी कि चित्र व्यवस्था। तो इसमें व्यक्ति को चित्र कार्डों को इस प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है जिससे उनकी एक सार्थक कहानी बन जाए, जो भी उस पर लिखा हुआ है वो रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। और इसमें समय और शुद्धता के आधार पर इवैल्यूएशन किया जाता है जिससे कि पूर्ण स्थिति की समझ का परीक्षण होता है। इसके बाद आता है ब्लॉक डिजाइंस। इसमें जो है व्यक्ति को रंगीन ब्लॉकों के डिजाइन को फिर से उनको तोड़फोड़ करके फिर से उनको कहा जाता है कि इसको फिर से बना के दिखाइए, जिससे बच्चे की एनालिटिक एबिलिटी का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद आता है डिजिटल सिंबल्स यानी कि अंक प्रतीक। इसमें बच्चे को डिजिट्स के स्थान पर सिंबल्स का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें जो है इससे जो है बच्चे का फ्लेक्सिबिलिटी और उसको कितना नवीन शिक्षण की योग्यता होती है उसमें, तो इस तरह का जो है मेजरमेंट किया जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट असेंबली यानी कि किसी वस्तु के भागों का संकलन करना, व्यक्ति को किसी वस्तु के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको जोड़ने के लिए कहा जाता है जिससे वह वस्तु ठीक और पूर्ण दिखाई दे। तो दोस्तों ये था वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल। उन्होंने 3 स्केल्स बनाए हैं जो कि हमने तीनों ही डिस्कस किए हैं। WPPSI जो बनाया गया है प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए यानी कि 2 से 7 साल के बच्चों के लिए। एक WISC वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन जो बनाया गया है 5 से 16 साल के बच्चों के लिए। और WAIS
जो बनाया गया है 16 से 75 इयर्स के एडल्ट्स तक के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।